गाइज, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारे एक बिल्डिंग, एक रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में। जो भी हमारे रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी होती है गाइज, हाई राइज बिल्डिंग होती है, उनमें कौन कौन सी एमिनिटीज़ और क्या क्या फैसिलिटीज़ उनमें प्रोवाइड की जाती है, वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। आपने अगर हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया सिविल डिज़ाइन करके से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, तो नीचे मैंने उसकी लिंक दी है, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो गाइज। वहाँ पर आपको हर एक जॉब के लिए अपडेट मिलेगी, स्टडी करेंगे रिगार्डिंग मटेरियल मिलेगा आपको, तो बहुत कुछ आप वहाँ पर मिलता है गाइज, डेली अपडेट वहाँ पर मिलेगा ग्रुप में, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्राउचर देख रहे हो आप, ये ब्राउचर है हमारे हाई राइज बिल्डिंग के लिए, जो भी रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट है उसके लिए, जो भी बिल्डिंग में जो भी फैसिलिटीज़ है या फिर जो भी एमिनिटीज़ है, एक सोसाइटी में, एक कॉलोनी में या फिर एक जो भी हमारे बिल्डिंग के फेजेस है उसमें, तो हम आज वो डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम एमिनिटीज देखेंगे, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद जो भी लाइफ टाइम क्रिएशन रिक्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें वह हम आज डिस्कस करने वाले गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए गाइस, इंपॉर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, एमिनिटीज़ में देखेंगे आप, तो एमिनिटीज़ में पहले तो यहाँ पर एंट्रेंस लॉबी चाहिए, उसके बाद एलिवेटर्स, उसके बाद सिक्योरिटी कैबिन, उसके बाद पावर बैकअप के लिए हमको कॉमन यूटिलिटीज़ में जो भी पावर बैकअप है वो चाहिए आपको, उसके बाद इन्वर्टर पॉइंट का आपको प्रोविज़न होना चाहिए एक सोसाइटी में, एक हाई राइज बिल्डिंग की, एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए गाइस। उसके बाद ग्रीन फीचर्स में आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद फायर फाइटिंग सिस्टम, जो कि हर एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में होती है गाइस। उसके बाद सोलर वाटर कनेक्शन इन वन वॉशरूम, तो ये सारी चीज़ें एमिनिटीज़ में आती है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सोसाइटी के लिए, एक बिल्डिंग के लिए, एक कॉलोनी के लिए, एक हाई राइज स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है एक गाइस, एक सिविल इंजीनियर के लिए भी। उसके बाद एमिनिटीज़ में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है गाइस, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसमें आते हैं हमारे एयर प्यूरीफायर इन ईच फ्लैट फॉर अ फ्रेश एंड क्लीन एयर। ओके, एयर प्यूरीफायर होना चाहिए। उसके बाद लैंडस्केप गार्डन होना चाहिए, किड्स प्ले जोन होना चाहिए, वेल इक्विप्ड जिमनेशियम होनी चाहिए, एक टेम्पल होना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर। ओके, उससे रौनक बढ़ेगी आपके सोसाइटी की और आपके जो भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है उसकी। उसके बाद सीनियर सिटीजन के लिए रिलैक्सिंग जोन यानी कि सिटिंग एरिया होना चाहिए उनके लिए, गार्डन्स गार्डनिंग होनी चाहिए। उसके बाद स्विमिंग पूल होना चाहिए अडल्ट्स और किड के लिए। उसके बाद टाइमलेस रिक्रिएशनल हॉर होना चाहिए। उसके बाद व्हील चेयर फॉर एवरी बिल्डिंग होनी चाहिए गाइज। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले। उसके बाद अराउंड ये जो देख रहे हो गाइज, ये हमारा एक डिजिटल प्रोजेक्ट है गाइज, हाई राइज बिल्डिंग के लिए एक हाई जापानीज टेक्निक है, वो डेवलपमेंट चल रही है बिल्डिंग की। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है टू फेज में। ओके, इनमें जो भी डिजिटली आपको जापानीज जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से वो बनाया गया है, उनके मेथड से बनाया गया है, उसके लिए वहाँ पर इतने एमिनिटीज प्रोवाइड किए गए। यहाँ पर देख सकते हो कि व्हील चेयर फॉर एवरी बिल्डिंग, उसके बाद राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस सर्विस। ये नॉर्मली ये तो एमिनिटीज़ नहीं रहते हर एक बिल्डिंग में। उसके बाद इंडोर गेम एरिया, मिनी पार्टी स्पेस, बर्थडे सेलिब्रेशन और किटी पार्टी, इसके लिए क्लब हाउस होगा आपके लिए। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट फोर टीयर सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें गाइस एक सोसाइटी के लिए। उसके बाद जो एमिनिटीज़ में हमारा अगला पॉइंट आता है गाइस, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ। ओके, यहाँ पर उन्होंने सिंबल भी दिया है, यहाँ पर रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ यानी कि हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, फूड्स होते हैं उसके लिए
वॉकिंग के लिए जो रहता है उसको उन्होंने कहा है रिप्लेक्सोलॉजी फ्लॉट। उसके बाद लैंडस्केप डैपल्ड विथ लॉन्स एंड वेट लैंड गार्डन। उसके बाद वॉकिंग ट्रेल्स, ओके। उसके बाद स्कूल बस पिकअप जोन। उसके बाद हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाउस विद म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पर उन्होंने म्यूजिक सिस्टम ऐड किया है। एक क्लाइंट कस्टमर लाने का एक अच्छा मार्केटिंग एरिया, मार्केटिंग आइडिया है गाइस, जो कि हम ज़्यादा एमिनिटीज प्रोवाइड करोगे तो हमें ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे। उसके बाद है गाइस पार्टी अरेंजमेंट विद बारबेक्यू फैसिलिटीज ऑन अ टेरेस बिल्डिंग। तो इन्होंने टेरेस बिल्डिंग पे अपना एक पार्टी अरेंजमेंट का सेटअप उन्होंने किया है गाइस। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गाइस, ये जापानीज टेक्नोलॉजी से बनाया है, इसलिए यहाँ पर इतने एमिनिटीज मिल रहे हैं। यहाँ पर लाइफ टाइम रिक्रिएशन और सेफ्टी फैसिलिटीज, इन दोनों में उन्होंने डिवाइड करके दोनों एमिनिटीज आपको दिए हैं गाइस। तो इतने सारे एमिनिटीज आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो कि ढेर सारे एमिनिटीज आपको 40+ एमिनिटीज है यहाँ पर, जो कि हर एक बिल्डर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हर एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में। यह हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है गाइस 2 BHK फ्लैट फ्लैट के लिए। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप 2 बेड ए 1 किचन एक हॉल। इसमें बालकनीस टेरेस टॉयलेट बाथ अटैच है दोनों साइड में। तो गाइस सेफ्टी फैसिलिटीज में हम देखेंगे, जो कि हमारा एक हाई राइज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, जो कि अभी लॉन्च होने वाला है 2025 को। सीसीटीवी मॉनिटरिंग आता है उसमें पायलो माउंट, जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अच्छा है गाइस, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। उसके बाद RFID आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स, ओके। उसके बाद स्वाइप कार्ड एसेस, जो भी आपका फ्लैट है गाइस उसमें स्वाइप कार्ड के लिए एसेस मिलेगा आपको। जो भी हॉल के एंट्रेंस है यहाँ पर डोर के पास आपको स्वाइप कार्ड एसेस मिलेगा, वहाँ तभी आप एंट्री कर पाओगे। उसके बाद ये वीडियो डोर फोन विथ अ बिग डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको वीडियो डिस्प्ले फोन मिलेगा गाइज, उसमें आपको बाहर कौन खड़ा है वो भी आपको देखने को मिलेगा गाइज। तो ये सारी चीज़ें हर एक बिल्डर प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये कुछ कुछ प्रोजेक्ट में रहेंगे गाइज, जो कि लग्जरियस प्रोजेक्ट है हमारे। उसके बाद है गाइज सेफ्टी फैसिलिटीज़ में हमारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक प्री चेकिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विजिटर, तो ये भी ऑनलाइन किया है उन्होंने। उसके बाद इमरजेंसी अलार्म फॉर ईच फ्लोर। उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट फायर फाइटिंग सिस्टम। उसके बाद ये मोशन सेंटर सेंसर फॉर ऑटोमेटेड लाइटिंग, तो मोशन सेंसर होना चाहिए गाइस, ऑटोमेटिक लाइटिंग हो गया हमारी फ्लैट्स में। ओके, तो ऑटोमेटिक किया है उन्होंने डिजिटल वर्क के लिए। उसके बाद है सोलर सिस्टम फॉर अ ग्रीन एनर्जी एंड लो मेंटेनेंस फॉर लाइफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइज, एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए कि एक बिल्डिंग लाइन में बिल्डिंग वर्किंग कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देते हैं बिल्डर्स। ओके, एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में वर्किंग कैसे होना चाहिए, तो एक हर एक सिविल इंजीनियर को ये वीडियो देखना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद सेफ्टी फैसिलिटीज़ में हमारा अगला पॉइंट है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल क्लिक मेडिकल इमरजेंसी। तो मेडिकल इमरजेंसी आपको होनी चाहिए, इन इमरजेंसी में मेडिकल किट होनी चाहिए वो। इंटरकॉम फैसिलिटी, उसके बाद है सिक्योरिटी कैबिन, तो हर एक सोसाइटी में होती है। उसके बाद सेफ्टी साइन वेयर रिक्वायर्ड, सेफ्टी साइंस देना जरूरी है आपको। विल मार्क इंटरनल रोड्स, जो भी मार्किंग है आपको रोड्स के लिए अच्छी होनी चाहिए, विल मार्क होनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो ये दो प्रोजेक्ट में जो भी डिफरेंस होता है, ये तो हर एक प्रोजेक्ट में रहता है गाइज, लॉबी एलिवेटर कैबिन इन्वर्टर, उसके बाद और इन्वर्टर फायर फाइटिंग सोलर। मगर यहाँ पर डिजिटल वे में आपको हर एक चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी गाइज इस प्रोजेक्ट में। तो ये सारी बातें एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए गाइज, एमिनिटीज़ और सेफ्टी पर्पज़ के लिए बनाई जाती है एक बिल्डिंग और एक सोसाइटी के लिए। तो गाइज अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज, क्योंकि बहुत सारा आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो गाइज, क्योंकि वहाँ पर हर एक
स्टडी के रिगार्डिंग अपडेट मिलेगा आपको, जॉब के रिगार्डिंग अपडेट मिलेगी, डेली अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने उसके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, फ्रेशर के लिए तो ये मस्ट आपको ज्वाइन करना ही है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट आपको जॉब के लिए अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें थी हमारी हमारी एमिनिटीज़ और जो भी सेफ्टी फैसिलिटीज़ है उसमें। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे स्पेसिफिकेशन और एमिनिटीज़ के ऊपर, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया वहाँ पर एमिनिटीज़ और स्पेसिफिकेशन पहले पार्ट में, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है गाइस। यहाँ पर 2 RH के भी लिखते हैं, यहाँ कहीं पर 2 PH के भी लिखते हैं। अभी नया फैसिलिटी नया एक आया है डिज़ाइन गाइस, 2.5 BH के, ओके 3.5 BH के, 1.5 BH के। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो भी हमारा हॉल का एरिया है वो ज़्यादा होता है, यानी कि 1.5 होता है हॉल का एरिया, 1 बेड और किचन होता है, इसलिए आपको 2.5 BHK का क्राइटेरिया भी अभी अवेलेबल हो सकते हैं आने वाले टाइम में। उसके बाद है गाइज हमारा स्पेसिफिकेशन में, स्पेसिफिकेशन में हमारे आते हैं गाइज जो भी फिनिशेस के बारे में, फिनिशिंग कैसी रहती है हमारे एक फ्लैट के लिए, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल फिनिशिंग, उसके बाद फ्लोरिंग की, डोर की और प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो कि आपको बिल्डर कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाला है वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। यहाँ पर वॉल फिनिश में आता है लिविंग, बेडरूम, किचन, वॉशरूम, एक्सटर्नल प्लास्टर, उसमें जिप्सम फिनिश विथ OBD यानी ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर, ओके ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर बोलते हैं उसको, जिप्सम फिनिश विथ OBD, ओके। इसके बाद टैडो टाइल्स अप टू लिंटेल लेवल, उसके बाद वॉशरूम में तो ये होना ही चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद सैंड फेस्ट फास्ट प्लास्टर विद द सेमी एक्रेलिक पेंट। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर को, एक साइट इंजीनियर को, क्योंकि एक हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कौन कौन से वर्क होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद उसके कौन कौन से सेफ्टी एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कौन कौन सी सैंपल फ्लैट है, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके। उसके बाद ये भी सैंपल फ्लैट है हमारे 1 BHK 2 BHK के लिए, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि विथ फर्नीचर ये डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि अट्रैक्शन हो जाए और दिखने भी अच्छा दिखता है गाइस। हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादातर आपका ज़्यादा हॉल का साइजेस और बेडरूम के साइजेस सेम ही रहेगी, 12 बाय 12 या 10 बाय 10, इसने इतने ही साइज मिलेगा। इस किचन तो आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें तो बहुत कम कम साइज मिलेगा गाइस। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारा स्पेसिफिकेशन में, हमारा अगला पॉइंट है गाइस फ्लोरिंग में, जो भी हमारे फ्लोरिंग एरिया है, लिविंग रूम हुआ, बेडरूम, किचन, हॉल, टॉयलेट टॉयलेट टेरेस, एक्सटर्नल, उसके उसमें आप देख सकते हो 80 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर के आपको विट्रीफाइड टाइल्स देने हैं गाइस, यानी कि 80 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपको तीनों में देनी है। उसके बाद एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स, एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स टेरेस और आपको टेरेस और टॉयलेट में देनी है गाइस। उसके बाद एक्सटर्नल में आपको सीमेंट पेविंग ब्लॉक और कंक्रीट रोड प्रोवाइड करना है गाइस, जो कि आपको एक्सटर्नली रोड वे में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए गाइज। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्पेसिफिकेशन में गाइज, यहाँ पर देख सकते हो आप डोर, डोर यानी कि मेन डोर, बेडरूम, टॉयलेट, इसमें जो भी डोर्स है और विंडोज है उसका शेड्यूल है गाइज यहाँ पर। लैमिनेटेड फ्लश डोर विथ SS फिटिंग एंड लैमिनेटेड डोर फ्रेम, ओके। तो लैमिनेटेड डोर और फ्लश डोर होने चाहिए गाइज यहाँ पर, आप देख सकते हो, जो कि बिल्डर आपको प्रोवाइड कर देगा। ये आपको बिल्डर प्रॉमिस कर रहा है कि आपको फिनिशिंग इस तरह मिल जाएगी, यहाँ पर आपको व्यू दिखाई इस तरह आपको ये फ्लैट रेडी कंडीशन में यही मिल जाएगा, बस यहाँ पर फर्नीचर वगैरह नहीं होगा, खाली रूम मिलेगा आपको, ये टाइल्स वगैरह इसको डैडो बोलते हैं गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डैडो बोलते हैं।
यहाँ पर लिंटे लेवल तक आपको डाडो प्रोवाइड करना है, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद टाइल्स में आपको सिरेमिक टाइल्स प्रोवाइड करनी है, एंटी स्किड टाइल्स प्रोवाइड करनी है बाथरूम और टेरेस में, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, प्लम्बिंग वर्क। हमारा प्लम्बिंग वर्क कंसील्ड प्लम्बिंग विथ सी पी फिटिंग एंड सैनिटरी फिटिंग। तो आपको सी पी फिटिंग एंड सैनिटरी फिटिंग हो तो आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क में आपको कंसील्ड वायरिंग और स्विचेस चाहिए गाइस। उसके बाद स्विचेस आपको कौन से प्रोवाइड करने वाला है, वो टीवी, टेलीफोन पॉइंट इन लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम एंड एसी पॉइंट इन लिविंग एंड बेडरूम में। तो एसी पॉइंट आपको लिविंग और बेडरूम में मिलेगा गाइस, दोनों बेडरूम में। ओके, यहाँ पर किचन में आपको लाइट और जो भी इलेक्ट्रिकली वही मिलेगा। यहाँ पर ग्रेनाइट टॉप किचन काउंटर विथ एसी सिंक, डैडो टाइल्स अप टू लिंटे लेवल। तो जो भी किचन का काउंटर है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिंक के, यहाँ पर डैडो टाइल्स आपको लिंटे लेवल तक ही मिलेंगे गाइस, जो कि आइसोमेट्रिक व्यू में आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी एमिनिटीज और जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन होती है उसके उसमें। अगर आप चाहो तो उसका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप एक बार नोट कर लो गाइस, जिसमें आपको इसी फिनिशिंग मिलने वाली है, जो कि हर एक हाई राइज बिल्डिंग में ऐसे ही होता है गाइस। आपको बस ये आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, फ्लोरिंग वर्क। उसके बाद आपको क्वान्टिटी निकालने आने चाहिए, एस्टिमेशन आना चाहिए उसका। अगर आपको एक 2 BHK फ्लैट दिया तो उसकी क्वांटिटी और इस्टीमेशन ये सब आना चाहिए उसका, उसकी टाइल्स की क्वांटिटी, उसकी पेंटिंग की क्वांटिटी, उसके डैडो टाइल्स कटिंग की जो भी रनिंग मीटर में आता है वो आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद प्लास्टर वर्क में, फ्लोरिंग वर्क में तो हुआ, प्लास्टर वर्क में भी आना चाहिए आपको। पेंटिंग वर्क में आपको पेंटिंग की क्वांटिटी आनी चाहिए, जो कि हमारे कितने वाले हैं वो हाथ से आपको मिल जाएगी, वो पेंटिंग की क्वांटिटी और प्लास्टर की क्वांटिटी। उसके बाद एक साइट इंजीनियर को यहाँ पर आपको किचन का जो भी ग्रेनाइट का जो भी काउंटर है इसकी क्वांटिटी निकालना आना चाहिए गाइस। उसके बाद जो भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, वॉल के जो भी ब्रिक्स वर्क है उसमें ब्रिक कितने लगने वाले, वो भी आपको ब्रिक की जो भी क्वांटिटी वो आपको इजीली निकालने आने चाहिए गाइस। उसके बाद आपको फर्नीचर वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती है, इंटीरियर में, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर वर्क, ये भी चीज़ें वो आपके समझ में आने चाहिए गाइस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पॉइंट के कनेक्शन कहाँ पर देने, कहाँ पर आपके टेलीफोन वायरिंग और कहाँ पर आपके टीवी पॉइंट्स होने चाहिए, मेन फ्यूज़ आपका कहाँ पर होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी आपने अमेनिटीज और स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देख लिया है। तो गाइस, यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट में जो कि जापानीज प्रोजेक्ट है गाइस, जो कि इंडिया में बन रहा है, उसके जो भी केयर फॉर एनवायरमेंट के जो भी फैक्टर है गाइस, नए नए डिज़ाइन के, नए थिंकिंग के, नए मेथड से वो डिज़ाइन कर रहे हैं गाइस, तो बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ रहा है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, नए नए चीज़ें जानना, पहचान लेना उसको। ओके, उसमें केयर फॉर एनवायरनमेंट में हमारे जो भी फैक्टर्स आते हैं गाइस, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसमें, बिल्डिंग को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसमें जो भी सेटिंग्स होती है लाइट की, इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की। उसके बाद जो भी वाटर सप्लाई है वो भी ग्रीन वाटर सिस्टम, उसमें आपके सोलार कनेक्शन फॉर वॉशरूम होती है। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फायर फाइटिंग, तो ये सारे आते हैं हमारे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में। तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है गाइस, केयर फॉर एनवायरनमेंट में यहाँ पर डेडिकेटेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। एक सीवेज प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट हर एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से बनाया होगा इसलिए यहाँ पर डेडिकेटेड दिया है। उसके बाद है ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर, ये भी अच्छा पॉइंट है गाइस, हर एक प्रोजेक्ट में, हाई राइज बिल्डिंग में या फिर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में ये होना चाहिए, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर। उसके बाद 24/7 ऑक्सीजन एमिनेटिंग प्लांटेशन, तो उन्होंने हर एक बिल्डिंग, हर एक क्या बोलते उसको, सोसाइटी को उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि साइड में जो भी उन्होंने फ्लावरिंग या फिर जो भी पेड़ ट्रीज लगाए उन्होंने, वो ऑक्सीजन इमिनेटिंग होने चाहिए गाइस।
वैसे उस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट किया है गाइस। तो ये जो ऑक्सीजन इम्यूनिटी नया पॉइंट है, नया आइडिया है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक प्रोजेक्ट में ये चीज़ें नहीं रहती गाइस, जो कि आप कोरोना के कंडीशन में आपको जब ऑक्सीजन की सप्लाई लेना, एक प्योर ऑक्सीजन चाहिए होता है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक ह्यूमन लाइफ के लिए। ओके, तो ये नया कंसेप्ट है गाइस, 24/7 ऑक्सीजन एमिनेटिंग प्लांटेशन किया उन्होंने, अलग अलग जगह पे ट्रीज लगाए सराउंडेड बाय हमारे जो भी सोसाइटी उसमें। तो ये अच्छा पॉइंट है गाइस, एक सिविल इंजीनियर को, एक बिल्डर को ये पॉइंट हर एक प्रोजेक्ट में लेना चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक ह्यूमन लाइफ के लिए। अभी तो ऑक्सीजन एमिनेटिंग प्लांटेशन का कंसेप्ट नया है, आने वाले प्रोजेक्ट में, हर प्रोजेक्ट में वो दिखाई दे सकते हैं गाइस। उसके बाद है गाइस मॉस्किटो एंड इंसेक्ट रेपेलेंट स्लब्स। ओके, उसके बाद है एम्पल ट्री प्लांटेशन एंड ग्रीन एरियाज। वहाँ पर ट्री प्लांटेशन और ग्रीन एरियाज ज़्यादा प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट उन्होंने लाया हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एमिनिटीज, एक स्पेसिफिकेशन में मिलेगी गाइस, हर एक प्रोजेक्ट में ये चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं होती गाइस। यहाँ पर आपको अगला पॉइंट है हमारा एनर्जी एफिशिएंट कॉमन लाइटिंग लाइटिंग। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी कंसेप्ट हर एक प्रोजेक्ट में होता है गाइस, होना चाहिए, जो कि बेसिक होता है हर एक बिल्डर के लिए, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर की लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रोजेक्ट में लिए गए, जो कि हर एक प्रोजेक्ट में होने चाहिए। उसके बाद है सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। ये देख सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर वाटर हीटर हीटिंग जो भी सोलर की तरफ से होगा। उसके बाद 24/7 ऑक्सीजन एमिनेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हर एक प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है ह्यूमन लाइफ के लिए। उसके बाद है हाइजीन थिंकिंग, उसमें पॉइंट है गाइस डिसइंफेक्टेंट यूवी लाइट सिस्टम फॉर सैनिटाइजेशन ऑफ आइटम इन लॉबीज। तो यूवी लाइट का जो इफेक्शन है, जो इफेक्ट होता है, वो कम करना चाहते हैं गाइस। उसके बाद गार्बेज कलेक्शन पॉइंट एंड गार्बेज चू। तो ये सारे पॉइंट आपको मिलने चाहिए गाइज एक प्रोजेक्ट में, एक हाई राइज बिल्डिंग में, एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेगी गाइज, बहुत ही यूनिक चैनल मैंने आपके लिए बनाया है गाइज। ओके, आपके प्यार से ही, आपके लाइक से, शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइज वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस चैनल से, बहुत आरसीसी डिज़ाइन के बारे में, ऑटोकैड सीरीज सॉफ्टवेयर के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया इस प्लेटफॉर्म पे गाइस। अगर आप चाहे तो हमारे पहले वीडियोस देख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर एक साइट इंजीनियर के लिए। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक, हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने ऑटोकैड की पूरी सीरीज बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हमने। उसके बाद हमने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गाइस, ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो,
अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गए, जिसका कोई कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगी और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइज। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइज। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा वीआईपी मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको वीआईपी मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, आपके घर में कोई अगर वाटर प्रूफिंग के लिए ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ कर सकते हो गाइज़। वन ऑफ द बेस्ट जो भी वाटर प्रूफिंग का सॉल्यूशन है गाइज़, वो आप मेरे लिंक से बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है गाइज़। अगर आप चाहो तो उसे अच्छे ऑफर के साथ बाय कर सकते हो गाइज़। मल्टीपर्पज़ यूज़ भी हो सकता है इसका, बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है गाइज़ इसके, अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक साइट इंजीनियर के लिए जो भी मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है गाइज, तो बहुत ही बढ़िया ऑफर शुरू है गाइज, अच्छे डिस्काउंट के साथ। अगर ये टेप आपको चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइज, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। तो गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टीमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी आरसीसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी जो भी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि वीडियो को एंडिंग तक देखना, एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूँ साइट इंजीनियर और बिलिंग के फॉर्मेट के बारे में। तो हमारा टोटल गाइस है हमारा 11G+11 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि आप P+11 स्टोरी बिल्डिंग बोल सकते हो इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो भी फर्स्ट फ्लिंथ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर ऐसे 11 स्लैब है, उसके बाद 13 स्लैब है और लिफ्ट मशीन रूम है, उसके बाद ओवरहेड वाटर टैंक है गाइज। इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद जो भी स्टैगिंग एरिया आता है उसमें जो भी प्रॉप्स और जो भी स्टैगिंग आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मवर्क में, आपको एक तो सेटरिंग होता है, स्कैफोल्डिंग होता है, स्टैगिंग होता है, अगर इसका डिफरेंस चाहिए तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में पहले भी वीडियोस बनाया है इसका, जो भी स्टैगिंग, सेटरिंग, स्कैफोल्डिंग के बारे में। इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो भी रेट्स है, यहाँ पर हमने बिल्डर जो भी हमारा आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, उसका रेट है गाइज 138 पर स्क्वायर फीट। अगर आपने स्लैब का एरिया कैलकुलेट किया, जो कि हमारा आता है 5710, अलग अलग लिंटेल लेवल यानी कि कैंटिलीवर सपोर्ट कुछ ज़्यादा हो गए, कहीं पर कुछ कम हो गए, यहाँ पर ऑड इवन फ्लोर होता है गाइज, यहाँ पर फर्स्ट स्लैब इज सेम टू थर्ड स्लैब इज सेम टू फिफ्थ स्लैब, तो ऑड फ्लोर में आपका सेम एरिया आ जाएगा जो भी 5710 है, और इवन स्लैब में आपका सेम एरिया आ जाएगा जैसे कि 8 फ्लोर, 6 फ्लोर, 4 फ्लोर,
सेकंड फ्लोर में, वो आता है हमारा 5737, 5637। तो ऑड इवन फ्लोर है गाइस, इसका रेट सेम ही, मगर ऑड इवन फ्लोर में आपका एरिया कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आपने एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व की गाइस, यहाँ पर टेरेस स्लैब के लिए अपना एरिया अलग आ जाएगा, जो कि आपको सब टेरेस और टेरेस बालकनीज है वहाँ पर हटाई दिए जाएंगे, वहाँ पर डिलीट किए जाएंगे और आपका एरिया कम आ जाएगा गाइस, वहाँ पर स्टैगिंग एरिया नहीं होगा। ओके, वहाँ पर कॉलम ही नहीं होगा तो वहाँ पर सपोर्टिंग के लिए स्टैगिंग एरिया नहीं होगा। ओके, स्टैगिंग एरिया इसको बोला जाता है जो कि आपको एक्स्ट्रा कोई हाई लेवल पे ब्रिक वर्क या फिर कॉलम के लिए आपको कंक्रीटिंग करना पड़ेगा, तो आपको साइड में जो लगाते हो आप, वहाँ पर आपको उस एरिया को आपको स्टैगिंग एरिया बोला जाता है गाइस। ओके, जो भी हाई लेवल का होता है हाई राइज बिल्डिंग के लिए, वो स्टैगिंग एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइस आपको, जो कि हमारा 300 स्क्वायर फीट के आसपास है। इसमें अगर आपने टोटल एरिया कैलकुलेट किया तो हमारा जो भी पेमेंट शेड्यूल है, आपको फर्स्ट डिसाइड करना पड़ेगा आपको एसएससी कॉन्ट्रैक्टर से इसका रेट रेट अगर 130, 140 जो भी आपको अच्छा लगे, ओके, आपके अफोर्डेबल हो, आप रेट्स ले सकते हो, कोटेशन ले सकते हो आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से, जो भी आपको रेट अच्छा मिले, क्वालिटी अच्छा मिले, क्वालिटी मेन है गाइज, आपको क्वालिटी मिलना चाहिए। ओके, क्वालिटी मिला तो भी आप वर्क कर सकते हो। अगर आपने पहले वीडियोस पहले साइट देखने चाहिए आपको, जो भी आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर आप डिसाइड करने वाले हो, उनके जो भी पहले साइट, उनके कंप्लीशन कैसे है, उनका जो भी फिनिशिंग कैसा आता है कॉलम के लिए, आरसीसी स्लैब के लिए, वो आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा गाइज। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइज, यहाँ पर आपको टोटल एरिया तो मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा फर्स्ट स्लैब टू टेरेस स्लैब ओवर हेड वाटर टैंक तक, ओवर हेड वाटर टैंक के हमारे हमारी जो भी क्वांटिटी है गाइज वो है 68,000 लीटर, बहुत बड़ी है, और 4 कंपार्टमेंट पे उसको डिवाइड किया है गाइज। यहाँ पर इसका एरिया भी अलग से आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा एरिया आया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है वहाँ से रेट से, फिर आपको बिलिंग उसका मिल जाएगा टोटल अमाउंट। ओके, इसमें आपका टोटल अमाउंट आ जाता है गाइज 8 लाख टू 7 लाख के आसपास हर एक स्लैब के लिए, 8,24,412, यहाँ पर आता है 7,87,980, तो टोटल आता है हमारा जो कि करोड़ में आता है, यहाँ पर देख सकते हो आप, तो यहाँ पर आता है हमारा 10 CR के आसपास। ओके, 10 CR का टोटल अमाउंट आता है एक कॉन्ट्रैक्टर आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर को आपको देना पड़ेगा गाइज, जो कि उसकी जो भी उसका जो भी रेट से लेबर रेट से वो आपको देना पड़ेगा गाइज 10 CR के आसपास, उसका सब मटेरियल उसका होगा इंक्लूडिंग हिज मटेरियल गाइज, तो मटेरियल के साथ साथ वो आपको देगा गाइज ए रेट्स, तो 10 CR वो आता है 10 CR 4,08,238। ये हमारा पी प्लस 11 स्टोरी का बिल्डिंग है, उसमें ओवरहेड वाटर टैंक है, लिफ्ट मशीनों में प्लेन स्लैब है, तो सभी स्लैब इसमें इंक्लूडेड है गाइस। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। तो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे जो कि हमने आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर बनाए, ऑटोकैड के ऊपर बनाए, हर एक ड्राइंग, हर एक मटेरियल एस्टिमेशन, क्वांटिटी, बिल्डिंग के पूरे शेड्यूल के बारे में बनाए गाइस, क्वांटिटी के ऊपर हमने पूरा एक प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो गाइस, एक साइट इंजीनियर के हर एक क्लास में आप वो थंब रूल डिस्कस करते गाइस उसके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी गाइस। तो आप अपना इंडिपेंडेंटली अपना घर तो डिज़ाइन कर सकते हो, अपना होम खुद इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो, उसका 3D एलिवेशन, 3D ड्राइंग, 6 सेंस आप इजीली प्लान बना सकते हो गाइस इसका, आपने अगर हमारे वीडियोस देख लिए तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें। हर एक साइट पे एक साइन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है गाइस, यहाँ पर
इंजीनियर साइन चाहिए, कॉन्ट्रेक्टर साइन चाहिए, उसके बाद बिल्डर की साइन चाहिए गाइस, उसके बाद ही अप्रूवल मिलेगा जो भी रेट से। हर एक चेक प्लेस पे आपको एक तीनों साइन चाहिए गाइस, कंप्लीशन ऑफ वर्क उसके ऊपर ही डिपेंड है गाइस। ओके, एक तो बिल्डर इम्पोर्टेंट है उसमें, उसके बाद इंजीनियर जो भी साइट इंजीनियर है, साइट सुपरवाइजर है, सीनियर इंजीनियर है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का साइन इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इसके बिना एक वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता गाइस, जो कि इसका बिल पेमेंट है वो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें इस एक प्रोफेशनल वर्किंग कंपनी में हो तो आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, जो कि आपके रेट्स वहाँ पर अलग अलग हो गए गाइस, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपके आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर के रेट है, ये 2021 2020 के रेट है गाइस। ओके, दिसंबर 2020 के, यहाँ पर आपको रेट्स हर एक 2-3 महीने में हाई राइज होते हैं गाइस, हायर होते हैं। तो ये रेट्स आपके एरिया में, लोकल एरिया में अलग होते हैं गाइस, ये महाराष्ट्र स्टेट के रेट है गाइस, आपके एरिया में मेट्रो सिटीज़ में अलग हो गए, ज़्यादा हो गए इससे। ओके, और गांव में इससे कम हो गए। तो ये सारी चीज़ें एक साइट इंजीनियर को आनी चाहिए गाइस, इंपॉर्टेंट होती है। आपने अगर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो भी आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर के जो भी रेट्स है उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक स्लैब के ऊपर जो भी रेट्स होता है उनका, जो भी अमाउंट का शेड्यूल है, वो आज हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर आपके एरियाज है, उसका जो भी रेट्स है, उसके जो भी आरसीसी बिलिंग का पेमेंट है गाइस, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत करना गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, अगर आप वहाँ से बाय करोगे तो आपको अच्छे ऑफर्स और अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे गाइज। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत है गाइज, उसकी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गाइज, अच्छे ऑफर और डिस्काउंट के साथ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कैलसी चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस, बहुत ही अच्छे ऑफर शुरू है अभी। अगर आपके घर में कोई वाटर पम्पिंग का प्रॉब्लम हो तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइस, अच्छे रिव्यूज़ है उसके, आप देख सकते हो, नीचे मेरे लिंक से बाय करना। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो गाइस, ये हमारा अपार्टमेंट का प्लान है गाइस, अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए गाइस तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसका डिटेलिंग चाहिए आपको, आरसीसी डिटेलिंग या फिर बीम के स्लैब के लेवल के डिटेलिंग्स चाहिए आपको, स्टेयर केस के डिटेलिंग चाहिए, इसका आरसीसी वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का क्वांटिटी और एस्टिमेट के ऊपर और आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर होगा गाइज। थैंक यू गाइज। Thank you.